हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डिंपल तित्रा एंड यू आर वेलकम इन न्यू एपिसोड ऑफ सुकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। सुकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 26। अंजलि की बात सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा। मैं मनी मन ये सोचने लगा कि शालिनी ने संदीप को छोड़ने की ये नई वजह क्यों बताई, जबकि असल सच तो कुछ और था। शालिनी ने अंजलि से झूठ क्यों कहा? मैंने तय किया कि इस बात का जवाब मैं खुद शालिनी से मांगूंगा। फिलहाल मुझे अपना वही दाव खेलना था जो अब मुझे दोनों तरफ से बचा सकता था। मैं अपने मन में ही बुदबुदाया। अंजलि वाकई में बहुत सीधी इंसान थी, मगर वो बेवकूफ़ नहीं थी, बस मुझ पर विश्वास करती थी। इसलिए उस वक्त तक उसे मुझ पर ज़रा भी शक नहीं था, जिसका मैंने भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अब मैं कुछ ऐसा कहने वाला था जो किसी के विश्वास को डगमगाना तो दूर, उसे छल्ली करने की काबिलियत रखता था। यह एक ऐसा झूठ था जो मुझे आज भी याद आता है तो घंटों अपना चेहरा देखने से परहेज करता हूँ, क्योंकि कोई किसी के पवित्र विश्वास को कहाँ तक गिरा सकता है। जब ये जवाब अपनी ही आंखों में देखता हूँ तो घबरा जाता हूँ, अपने ही चेहरे से घिन आने लगती है। अंजलि, आजकल समय न दे पाने की वजह से हम दोनों में बार बार झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। वो उदास मन से बोली। यार, जब तुम मुझसे नाराज हो जाती हो तो मैं डर जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना जिंदगी को अब मैं सोच भी नहीं सकता। कई दिनों से मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आजकल बात बात पर हमारी अनबन क्यों हो जाती है। कुछ दिन से मेरा परेशान चेहरा देखकर गौतम जी भी समझ रहे थे कि कोई तो बात है। आखिरकार परसों वो पूछ ही बैठे तो मैंने भी बता दिया कि आजकल मेरे और अंजलि के रिश्ते में बार बार खटास आ जाती है। वजह भी कुछ खास नहीं, बस वही रोजमर्रा की परेशानियां। अच्छा, तुमने गौतम जी को ये सब बता दिया? वो तो उम्र में काफी बड़े हैं तुमसे, वो हैरानी से बोली। हाँ, उम्र में तो बड़े हैं पर विचारों से जवान आदमी हैं, हर किसी की परेशानी को समझ जाते हैं। तब वही परसों शाम को मुझे एक पंडित के पास ले गए थे। मैंने फौरन अपनी बात चटकाई। पंडित? वो हैरानी से बोली। दरअसल वो जानती थी कि मैं एक नास्तिक हूँ जिसे इन चीज़ों में यकीन नहीं था, इसलिए मेरे मुँह से पंडित की बात सुनकर वो चौंक गई। हाँ, है कोई नामी पंडित, कहते हैं उसका बताया कभी गलत नहीं होता। वैसे तो अंजलि, तुम जानती हो मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं, पर फिर भी गौतम जी की बात का मान रखने के लिए मैं उनके कहने पर चला गया। मैंने झूठ बिल्कुल सफाई से आगे बढ़ाते हुए कहा। तो जाने के बाद यकीन हो गया? वो व्यंग्यात्मक अंदाज में टेढ़ी नजरों से देखने लगी। वो मैं नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कहूंगा कि मेरे अंदर पहुंचते ही, मेरे कुछ भी बताने से पहले, उस पंडित ने मेरी सारी परेशानी खुद ही मुझे बता दी, मैं हैरानी जताता हुआ बोला। अच्छा, फिर क्या उपाय बताया उसने? नहीं, मुझे कुछ भी बताने से मना किया गया है। उस पंडित ने मुझे काफी उपाय बताए हैं, पर मैं कुछ भी किसी को नहीं बता सकता। बस जो तुम्हारे जानने लायक बात है वो ये कि हमारी शादी तक तुम मेरे और अपने रिश्ते का जिक्र किसी से नहीं करोगी। पर वो क्यों? वो हैरानी से बोली। क्योंकि बाहर वालों की बुरी नज़र हमारे रिश्ते को पनपने नहीं दे रही। अब वो किसकी नज़र है ये कह पाना मुश्किल है, तो सावधानी के तौर पर तुम सबसे हमारे रिश्ते की बात को छुपा लो। तो जब कोई मुझसे तुम्हारे बारे में पूछे तो मैं क्या कहूँ? कह दो कि हमारा झगड़ा हो चुका है और हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। पर विक्की, ये तो झूठ होगा। अंजलि, तुम अपने प्यार के लिए कुछ दिन झूठ नहीं बोल सकती। क्या यार, क्या क्या करना पड़ रहा है इस प्यार में, वो मरे हुए मन से बोली। शालिनी और कामनी तो रोज मिलती हैं, सबसे ज्यादा तो मैं उन्हीं से तुम्हारे बारे में बातें करती हूँ, यानी सबसे ज्यादा झूठ तो उन्हीं से बोलना पड़ेगा। मैं बस यही तो चाहता हूँ, मैं मन ही मन बोला। मुझे बस कैसे भी करके दोनों तरफ से अपनी जान बचानी थी, सो मैंने इस तरीके से बचाने की कोशिश की। मेरी इस चाल के बाद मेरी परेशानी हल हो गई, सब कुछ आराम से चलने लगा। वहाँ शालिनी भी शांत हो गई और यहाँ अंजलि भी। अब मैं खुद से ही संतुलन बनाकर दोनों से मिलता जुलता रहता। एक शाम, कहाँ हो तुम शालिनी? बस विकी, रिक्शा लेकर घर ही पहुँच रही हूँ, वो हाँफती हुई बोली।
अरे इतनी जल्दी घर जाकर क्या करोगी? मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा। उस समय मैं गोदाम में बैठा हुआ बिल का काम कर रहा था। जनाब, दिल तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हमारा मिल पाना मुश्किल है। आज घर पर कोई नहीं है और मुझे घर समय पर पहुंचना है। पिछले कुछ दिनों में कॉलोनी में चोरी की कई वारदातें हुई हैं, तो पापा साफ तौर पर हिदायत देकर गए हैं कि वक्त पर घर पहुंच जाना। अच्छा, कहाँ चले गए तुम्हारे माँ बाप? मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा। आज सुबह की ट्रेन से देहरादून गए हैं एक शादी में। शालिनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। और तुम नहीं गई? दरअसल कल सुबह 10 बजे मेरा सेमिनार है, जिसमें मेरा पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं यहीं रुक गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो लोग वापस कब आएंगे? परसों सुबह। अब 2 रात मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा, वो बड़े बेचारेपन से बोली। अकेले क्यों, मैं हूं ना तुम्हारी तन्हाई मिटाने के लिए, मैंने हंसकर जवाब दिया। नहीं विक्की, बिल्कुल भी नहीं, किसी पड़ोसी ने देख लिया तो वाकई शामत आ जाएगी। अब छोड़ो भी शालिनी, कोई शामत नहीं आने वाली, रात के अंधेरे में मुझे कौन देखेगा? पर विक्की, इसमें बहुत खतरा है। पर मैं इस मौके को यूं जाया नहीं जाने दे सकता, कुछ नहीं होगा, यकीन रखो। चलो ठीक है, तो आ जाना। मैंने फौरन गोदाम पर ताला मारा और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में ही अंजलि का फोन भी आ गया। अच्छा हुआ तुमने ही फोन कर लिया, मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा, वो क्यों? अरे अभी अभी मुझे याद आया कि मेरे स्कूल के दोस्त की आज शादी है, तो बस अब घर जाकर तैयार होकर वहीं के लिए निकलूंगा, यही बताने के लिए तुम्हें फोन करने वाला था। ठीक है, मगर रात को जब लौटो तो एक बार मैसेज कर देना, मैं इंतजार करूंगी। नहीं, तुम सो जाना, क्योंकि मैं आज वहीं रुकूंगा, सभी दोस्त रुक रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। यह कहकर उसने फोन रख दिया। मैं फटाफट घर पहुंचा और माँ को भी यही बात बोलकर शालिनी के घर के लिए निकल पड़ा। उसके घर जाते वक्त मैं काफी उत्साहित था, मन उस रात के आने वाले पलों को सोच सोच कर रोमांच से भरा जाता था। रास्ते में जाते जाते ही मैंने ढेरों ख्याल बुन लिए थे, जिनमें शालिनी मुझे मेरी बाहों में अलग अलग अदाओं के साथ नजर आने लगी थी। साथ ही मुझे याद था कि मुझे संदीप वाली बात भी पूछनी थी। उस रात को उसके साथ बिताने के ख्याल से ही मेरे बदन में तरंग सी उठ रही थी। ठीक 9:15 बजे मैं उसकी कॉलोनी पहुंचा। गाड़ी मैंने पिछले गेट के पास खड़ी की और फिर जगह जगह फ्लैट नंबर्स की प्लेटों को पढ़ता हुआ उसकी बिल्डिंग के नीचे पहुंच ही गया। नीचे पहुंचकर मैंने शालिनी को फोन किया ताकि वो दरवाज़ा पहले ही मेरे लिए खोल दे, जिससे मुझे कम से कम समय उसके दरवाजे पर खड़े रहना पड़े। मेरे घर में घुसते ही शालिनी ने झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो शालिनी ने चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद कर रखे थे और हर जगह पर्दे खींच रखे थे। वो मुझे सीधा अपने कमरे में ले गई। ओहो, तो मैडम जी ने पूरी किलाबंदी कर रखी है, मैंने हंसकर कहा और अपने जूते उतारकर उसके पलंग पर बैठ गया। हाँ, थोड़ा बहुत डरना भी जरूरी है, वो आंखें चौड़ाकर बोली। बातों का सिलसिला मैंने संदीप से शुरू किया। शालिनी, मेरे मन में एक बात है, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो ना। तुमने अंजलि से ये क्यों कहा था कि तुमने संदीप को सिर्फ अच्छी नौकरी और अच्छा घर ना होने की वजह से छोड़ा है? तो विक्की, मैं और क्या कहती, अगर मैं पूरी बात बताती तो मैं उसे ये कैसे समझा पाती कि अगर संदीप वाकई में इतना सनकी इंसान था तो उसने मुझे खुद कैसे छोड़ दिया, और ये बताना भी संभव नहीं था कि उस सब में तुमने मेरी मदद की है। उसके इस जवाब से मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया। विक्की, मैं अभी आई, और वो कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। तुम कहाँ चली? मैंने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। वो भी मेरे पास ही पलंग पर पैर लटकाकर बैठ गई। इस रात की तन्हाई में मैं तुम्हारे घर पर हूँ, तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? नहीं तो, वो उलझन भरे चेहरे के साथ बोली और फिर से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। सच? ये कहते ही मैं भी एकदम उठकर खड़ा हो गया और शालिनी की कमर को अपनी बाजुओं के घेरे में लेकर अपनी ओर खींच लिया। विक्की, वो मुस्कुराती हुई खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। सच बताओ, अब भी मुझसे डर नहीं लग रहा? मैंने अपना चेहरा उसकी गर्दन के
नज़दीक ले जाकर कराहती आवाज में कहा, अब थोड़ा सा लग रहा है, उसने नज़र झुकाकर कहा। मैंने फिर उसके बंधे बालों को खोल दिया, क्योंकि वो मुझे उन खुले घुंघराले बालों में बेहद हसीन लगती थी। उसका चेहरा मैंने अपने दोनों हाथों में भरा और चूमने लगा। अगले एक डेढ़ घंटे तक हम दोनों अपनी सभी हदों को तोड़ते हुए एक दूसरे में समा गए। इसके बाद हम एक ही चादर में बीच में बिना किसी पर्दे के बदन से बदन सटाए लेटे रहे। उस वक्त मेरे दिमाग में अलग ही उधेड़बुन शुरू हो गई। शालिनी और अंजलि दोनों के साथ इस रिश्ते को बनाने के बाद मुझे बड़ा अंतर महसूस हुआ। एक तरफ उस रात मुझे शालिनी के बर्ताव से इतना तो समझ आ गया था कि यह शालिनी के लिए पहली बार नहीं था, जबकि दूसरी तरफ मनाली में मैंने जो अंजलि के साथ महसूस किया वो ये कि वो इस मामले में बिल्कुल अल्लड़ और नादान थी। इतनी लड़कियों से संबंध बनाने के बाद मैं इस बात को दावे से कह सकता था, पर फिर मैंने मन ही मन सोचा, मुझे इससे क्या, यह शालिनी का निजी मामला है और वैसे भी मुझे कौन सा उससे शादी करनी है। विक्की, ये मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है। दिल में आ रहा है ये वक्त यहीं ठहर जाए और हम यूं ही पूरी जिंदगी एक साथ इसी तरह गुजार दें। शालिनी मेरी बाजू पर सिर रखती हुई बोली। मेरा भी। विक्की, तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या कभी तुम्हारे और अंजलि के बीच भी ऐसा हुआ है? देखो, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं। हाँ, सिर्फ एक बार मनाली के होटल में। अच्छा, तो संदीप और तुम भी तो उन रातों में वहाँ होटल के कमरे में अकेले थे? हाँ थे तो, मगर संदीप ने ऐसा कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। वो तो हर रात पैर पसार कर सो जाता था। विक्की, वो तुम्हारी तरह रोमांटिक नहीं था। अच्छा, मैंने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मगर मन में कहा, चल झूठी। उस वक्त शालिनी के चेहरे के भाव उसकी जुबान का साथ नहीं दे रहे थे। साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। विक्की, एक बात और है जो कहनी है। आज के बाद तुम मुझसे मेरे अतीत यानी संदीप से जुड़ी कोई बात नहीं करोगे। हाँ, तुम भी अंजलि का कोई जिक्र ना छेड़ना। जब दोनों हमारी जिंदगी से जा चुके हैं तो गड़े मुर्दे क्यों खड़ने? बीते वक्त मैंने क्या किया या तुमने क्या किया, ये किस्सा आज इसी रात के साथ खत्म। कोई किसी से कोई सवाल नहीं करेगा। वैसे भी रिश्ता भरोसे से चलता है, शक के साथ नहीं। मैंने ऐसा कहकर उसका माथा चूम लिया। भरोसे की बात मैं कर रहा था जो हर पल भरोसे का कत्ल करता था, पर स्वार्थ का नशा मुझ पर इतना गहरा था कि सही गलत कुछ समझ ही नहीं आता था। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अंजलि के मुंह से बीते कुछ महीनों में ऐसी कोई बात सुनी है जो ये बात साबित कर सके कि वो और मैं अब भी रिश्ते में हैं? मैंने कहा। नहीं, खैर ऐसा तो कुछ नहीं सुना। जब भी पूछती हूँ तो वो यही जवाब देती है कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। वजह पूछो तो कहती है कि मेरे और विक्की के विचार नहीं मिलते, इसलिए मैंने रिश्ता खत्म कर दिया। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर मेरे दिल को अजब सुकून मिला और मन ने कहा कि चलो बढ़िया है, मेरी युक्ति सही काम कर रही है। सुबह 5 बजते ही मैं वहां से निकल गया। रात पूरी तरह सूरज के आगोश में सिमट नहीं पाई थी तो सब कुछ हल्के अंधेरे में ओझल सा था। इससे पहले कि कोई मुझे वहां से निकलते देखता, मैं किसी और के जागने से पहले ही चला आया।